सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित होने के बाद अब 10वीं के छात्रों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, जिसे लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मगर इन सबके बीच अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से रिजल्ट को लेकर अहम जानकारी सामने आई है, जिसके बाद अब तमाम तरह की अफवाहों पर विराम लग गया है। जब से सीबीएसई के 12वीं के नतीजे सामने आए हैं, तभी से 10वीं के नतीजों को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। 12वीं के नतीजे घोषित होने के बाद ही ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि एक दो दिनों के अंदर ही हाई स्कूल के छात्र छात्राओं का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। इन सब के बीच कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई गईं कि रविवार यानी आज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं के नतीजे घोषित कर देगा, जिसके बाद से ही छात्र सीबीएसई की वेबसाइट पर नजरें गड़ाए हुए हैं। मगर अब सीबीएसई ने इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है। सीबीएसई की पीआरओ रमा शर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया पर अपुष्ट फेक न्यूज फैलाई जा रही है कि सीबीएसई 10वीं कक्षा का परिणाम रविवार को जारी किया जाएगा। सभी प्रिंसिपल, छात्र, परिजन और लोगों को जानकारी दी जाती है कि सीबीएसई 10वीं कक्षा का परिणाम आज जारी नहीं किया जाएगा। शर्मा ने बताया कि बोर्ड आधिकारिक रूप से परिणाम जानने की प्रक्रिया, तिथि और समय की विधिवत जानकारी देगा। बताया जा रहा है कि उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजों में एडमिशन के मद्देनजर 12वीं का रिजल्ट जल्दी जारी किया गया, मगर 10वीं के परिणाम जारी करने में बोर्ड 14 से 15 मई तक का भी समय ले सकता है, यानी करीब 10 दिन और 10वीं के स्टूडेंट्स को रिजल्ट का इंतजार करना पड़ सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।